तेरा मेरा रक्षा बंधन। कुछ तो चल रहा है शिवा और उस चुड़ैल मेंगा के बीच में। शिवा मुझसे छुपा रहा है और मैं पता लगा कर रहूंगी। अपने कपड़े तो निकाल दिए आपने, हमारे रात के कपड़े वो कटे हैं, जल्दी से निकाल दो। नौकर नहीं हूं तेरी, जो चाहिए खुद ले ले। इसमें नौकर कैसे हो गया आपका? पत्नी हो हमारी, और पत्नी का तो फर्ज होता है ना पति के सम्मान का ध्यान रखना। सुनो, मेनका के बारे में जो आप सोच रहे हो सही है ना? जो बात आपके दिमाग में घूमे जा रही है ना, उसे दिमाग से घुमा के निकाल दो। ऐसा वैसा कुछ भी ना है, भरोसा रखो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है ना, तो तुम मारे से खुल के बोल सकती हो। के बता, मारे अंदर भी वैसा ही कोई बुलबुला फूट रहा हो? शिवा, मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद कर शिवा। और आता क्या है तुझे? हाँ, एक औरत को अच्छी पत्नी बनाना जबरदस्ती, उसके ऊपर ये हक जताना जबरदस्ती। बस ऐसे जबरदस्ती ही तुझे तेरे पति का हक मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद तो तुझे वो देने से रही, इस लायक नहीं है तू। जबरदस्ती करनी ना, ले कर, जो करना है कर, जबरदस्ती कर। इतने दिन साथ रहने के बाद भी अपने मरे को इतना सा ही समझा, अफसोस। मैं एक पत्थर को पिघलाने की कोशिश करता था, आप मारे प्यार को टुकराती रही, पर मैं बार बार आपके दिल में अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश करता रहा। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ना अपने मारे प्यार को समझा और ना ही मारी भावनाओं की कदर की। खैर, अब बस आज ये जो हुआ ना, ये आखिरी बार था जब मैंने आपके दिल में अपने लिए प्यार ढूंढना चाहा, और आज के बाद ऐसा दोबारा फिर कभी ना होगा। और जो हमारा वादा है आपसे, शिवा का वादा, शिवा वो शिवा, शिवा नाश्ता कर ले। नाश्ता गरम है, खा लेना।
इग्नोर कर रहा है मुझे। मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ तुझसे बात करने के लिए। और हाँ, इस गलत फैमिली में वैसे भी मत रहना कि मैं तेरे लिए यहाँ पे रुकी हूँ। कहा था ना, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि रसाल को मेरी जरूरत है। हमारी बहन का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, घना धन्यवाद। और ये एहसान मैं कभी ना भूलूंगा। हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? है कौन ये मेरे लिए? कर रहा है तो करे इग्नोर। शैम्पू मेनिका का, चप्पल रसाल की, खेल मेरा, रसाल गिरेगी, इल्जाम मेनका पर आएगा, काम मेरा बनेगा। रसाल, रसाल बाथरूम में तू? हाँ भाभी सब। गरम गरम नाश्ता लाई, जल्दी से आगे खा ले। टॉवल दीजिए ना भाभी साहब। टॉवल कहाँ रखा है? भाभी साहब वो बड़ी वाली अलमीरा में। बड़ी वाली? रहने दीजिए भाभी साहब, हो गया। कुछ नहीं भाई साहब, वो चप्पल फिसल गई थी शायद। चप्पल फिसल गई? तो बाल धोने वाला शैम्पू है। हाँ? अटैक क्या कर रहा है? ये काम चकोरीमा अकेला और कोई ना कर सकता। लड्डो पिछड़े मत पहनियो, मैं जरा आता हूं। अपनी घटिया हरकतों से बाजड़ा हो गया ना। क्या क्या मैंने? छोड़ मुझे, तू अपनी मासा पे हाथ उठा रहा है? ये संस्कार दिए मैंने तुझे? छोड़, छोड़ दे मुझे। ये सब क्या हो रहा है? चुपचाप मान लो कि रसाल की चप्पल पे जो शैम्पू लगा था वो तुमने लगाया था। ये नौटंकी बंद करो, मैं जानता हूँ तुमने वो क्यों किया था।
ताकि रसाल फिसल के गिर जाए और उसके पेट में पलता हुआ बच्चा उसे नुकसान पहुंचे। हाँ की ना? हे मारे राम जी, इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि रसाल को अगर कुछ भी हो गया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। मैं इतनी बुद्धू हूँ क्या कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? हाँ, इस घर में कोई और भी है जिसे रसाल के होने से बहुत तकलीफ है। पता है मुझे कि तुझे समर और मेनका के बीच जो था सब कुछ पता है, और मेनका यहाँ पे आई है समर को पाने के लिए। तो उस हिसाब से रास्ते का काटा कौन है? तेरी बहन और उसका बच्चा। तो ऐसा हो सकता है ना, तुमने वो शैम्पू की बात की, ऐसा हो सकता है कि शायद मेनका ने ही रसाल के चप्पल में शैम्पू डाला हो। तो चल जाके देखते हैं कि मेनका जो शैम्पू इस्तेमाल करती है और रसाल के चप्पल पे जो शैम्पू मिला है वो एक ही है कि नहीं। आइए पूरी देख लेते हैं। आप दोनों यहाँ मेरे कमरे में? ये तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, और मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो तुम? कोई मुझे बताएगा ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? अपने ये भोलेपन का नाटक बंद करो आप। जो आपका शैम्पू है ना, जिसे आपने रसाल की चप्पल के नीचे लगाया था ताकि वो फिसल के गिर जाए और अपना बच्चा खो दे, इतनी घटिया हरकत की आपने आज? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्यों करूंगी मैं? झूठ बोलना बंद कीजिए आप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मेरी बहन पे कोई आ जाए ना तो ये शिवा सही गलत पूछना देखेगा, और अब बस बहुत सुन ली मैंने आपकी। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको उठा के इस घर से बाहर फेंक दूं। चलिए निकले। देखो देखो शिवा, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा चलिए। छोड़ो शिवा मुझे, नहीं तो मैं चीखूंगी। पड़ेगा चलिए चलिए, मैंने कहा छोड़ो। पर अगर तुमने आज के बाद मुझे हाथ लगाने की, मुझे घर से बाहर फेंकने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे घर के आंगन में चीख चीख के तुम्हारी बहन रसाल को बताऊंगी कि उसके पति समर और मेरे बीच क्या रिलेशन है। बुलाऊं उसे? हाँ बुलाऊं उसे मैं अभी। देखो मैं कह रही हूँ ना, मैंने सब कुछ नहीं किया। अगर मुझे कुछ करना ही होता तो मैं अपना शैम्पू क्यों यूज करती? हाँ ताकि मैं पकड़ी जाऊं। गिरगिट के रंग और इंसान की नियत बदलने में कितना वक्त लगता है? हाँ हमें क्या पता तेरे दिमाग में कौन सा फितूर पनप रहा है। हो सकता है रसाल से बदला ले रही है तू। सच्चाई के है वो तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन आप जो आपने आज के बाद दोबारा रसाल को सच बताने की धमकी दी ना, तो रसाल का भाई शिवराज आप पे कहर बन के बरसेगा, और वैसे भी आपका अंत बहुत दूर ना है। जल्दी अगर मैंने आपको उठा के इस घर से बाहर ना फेंका तो देख लेना। मैं जानती हूँ ये काम आपका है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किस चक्रव्यूह में फंसी हो। आगे शिवा खड़ा है और पीछे मैं खड़ी हूँ। हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और अगर तुम अभी भी जिद पकड़ के खड़ी रही तो गेहूं के साथ घुन की तरह पिसती जाओगी।
शिवा कुछ पता चला? क्या हुआ भाई साहब, कुछ पता चला? तू इन बातों की चिंता करनी छोड़ दे। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो सब मैं देख लूंगा। और आगे से ये वादा है हमारा, वो जो कोई भी था ना, तुझ तक पहुंचने से पहले उसे मुझसे टकराना पड़ेगा। चल पेट भर के नाश्ता कर ले, मैं आता हूं। भाभी साहब, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ खास है? रसाल, तुझे नहीं लगता कि भले ही शिवा ने नाम नहीं लिया, पर वो भी जानता है कि ये काम चकोरी ताई जी का ही है? मैं जानती हूँ भाभी साहब, भाई साहब ना चाहते कि मुझे जरा भी तकलीफ पहुंचे या मैं गुस्सा करूं, पर ये काम तो चकोरी मासा का ही है। पहले ही उन्होंने मेरी शादीशुदा जिंदगी तो उजाड़ी हुई है, अब मेरी ममता के पीछे पड़ गई है, पर मैं ऐसा ना होने दूंगी। शिवा कुछ पता चला? कना, कनक, अब तुमने शिवराज को कहीं देखा क्या? क्यों, क्या काम है शिवा से? जरूरी काम है, बोलो ना कहाँ है वो। मुझे नहीं पता। ओके। ब्लडी हेल, मत बता शिवा, मत बता क्या चल रहा है तेरे और इस चुड़ैल के बीच में, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। इसका रूम चेक करती हूँ, वहां जरूर कोई ना कोई सबूत हाथ लगेगा। और शिवा, एक बार मुझे कुछ मिल गया ना, फिर तो तुझे जवाब देने ही होंगे मेरे सवालों के। आपको इतनी भी तमीज नहीं है, इसी के कमरे में बिना परमिशन के नहीं आते और ना ही उनके सामान को हाथ लगाते हैं। कोई चोरी नहीं कर रही हूं मैं, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि उस फोटो में क्या है, देखकर दे दूंगी। मैं आपको इसकी परमिशन भी नहीं देती। अब से 2 घंटे बाद कारीगरों के भेस में हवेली जाना और वहां जाके उस लड़की को उठा लाना जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना होगा, और फिर कहीं दूर ले जाके उसे ठिकाने लगा देना। डॉक्टर ने बच्चे के लिए जो विटामिन और दवाइयां बताई थी सब ले आया हूं मैं। प्रिस्क्रिप्शन इसके अंदर है, कब कौन सी दवाई लेनी है देख लेना।
कुछ महसूस हुआ आपको? पता है बच्चा अपने पापा से क्या कह रहा है? थैंक यू पापा। मौसम बदलने की वजह से ठंड बहुत बढ़ गई है, तो मैं खुद को और बच्चे को ठंड से बचाना चाहिए। मुझे देखना है उसमें क्या है। मुझे फोटो दिखाओ। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे फोटो देखना है। कनक मुझे छोड़ो और जाओ मेरे रूम से। मैं एक इंच भी नहीं हिलने वाली हूँ जब तक ये फोटो नहीं देख लेती। छोड़ो दिखाओ, छोड़ो मुझे। क्या है फोटो? कनक जस्ट लीव माय हैंड। गॉड छोड़ो। कनक जस्ट लीव माय हैंड। क्या है इस फोटो में? अब से 2 घंटे बाद कारीगरों के भेस में हवेली जाना और वहां जाके उस लड़की को उठा लाना जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना होगा और फिर कहीं दूर ले जाके उसे ठिकाने लगा देना। अब से 2 घंटे बाद कारीगरों के भेस में हवेली जाना और वहां जाके उस लड़की को उठा लाना जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना होगा और फिर कहीं दूर ले जाके उसे ठिकाने लगा देना।